YouTube नमस्ते प्रणाम, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने महाशयों की हट्टी नाम तो सुना ही होगा, नहीं? अच्छा, महाशय धर्मपाल गुलाटी तो सुना ही होगा, नहीं? अच्छा, तो इनको तो आप सब लोग पहचानते ही होंगे। जी हाँ, ये है MDH वाला ताऊ। ये थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। हम सब ने बचपन से ही ये जिंगल सुनते आ रहे हैं। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। बट अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, 3 दिसंबर सुबह के करीब 5:38 बजे 98 साल की उम्र में महाशया जी की कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। महाशय जी को 2019 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है, जो भारत का 3rd highest सिविलियन अवार्ड है। अपनी ज़िंदगी के 24 से भी ज़्यादा साल गुलाटी जी ने पाकिस्तान में बिताए थे। पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से उन्होंने अपने पिताजी की मसालों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। इस दुकान का नाम महाशया दी हट्टी यानी MDH, और जिसका लिटरल मीनिंग है रिस्पेक्टेड मैन शॉप। साल था 1947, जिसने सब कुछ बदल दिया। गुलाटी जी और उनका परिवार अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर हिंदुस्तान आया। पहले अमृतसर के रेफ्यूजी कैंप, फिर दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहे। दिल्ली आने के बाद गुलाटी जी के पिताजी ने उनको 1500 रुपये दिए, जिसमें से 650 का उन्होंने एक टांगा लिया, सो दैट वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। लेकिन टांगे से होने वाली कमाई ज़्यादा ना होने के कारण उनको अपना टांगा बेचना पड़ा। टांगा बेचकर उन्होंने दिल्ली की अजमल खान रोड में एक छोटी सी जगह खरीदी अपना खानदानी मसालों का बिजनेस शुरू करने के लिए। इस दुकान का नाम उन्होंने रखा महाशया दी हट्टी। कुछ ही सालों में उनका दिल्ली के आसपास नाम होने लगा और इस तरह शुरुआत हुई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ स्पाइसेस। यह उनकी दृढ़ता और ईमानदारी का ही नतीजा है जो आज MDH इतनी ऊँचाइयों तक पहुँचा है। आज MDH अलग अलग कंट्रीज जैसे जापान, US, कैनेडा में अपनी स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। ऑल्सो 2017 में वो हाईएस्ट पेड CEO थे इंडिया में विद द सैलरी ऑफ 21 करोड़ दैट ईयर। MDH आज के टाइम में 62 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन मोर देन 150 पैकेजेस ऑफर करता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, गुलाटी जी ने नियरली 90% सैलरी महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट की है। ये ट्रस्ट 250 बेड्स का हॉस्पिटल और 4 स्कूल्स ऑपरेट करता है दिल्ली में। हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुलाटी जी सच में एक प्रेरणा स्रोत थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें। हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।